निकल तुम तो मुझसे उठा तो नहीं नीता तो मैंने उठा के फेंक दा हो तो दांत का है फाल है दांत नहीं देखना तो माँ थोपड़ा देखने खड़े हो जाओ कहा तुम उसी का कहीं तुम ले आ गए कहा बता जी सही मोहिया से कहने आए सब कुछ मोहिया से कहने आए कहा करो मैं तुम्हारा तो मैं तो कौन उस पागल खाले में छोड़े आने चाहिए सीधे खड़े हो ऐसे अरे थोड़ी ऐसे खड़े हो और मोहरी जी के लाना झड़ी रास्ता ही में जी जी है तो बड़ी लेकर बड़े खाई काम नहीं करा था मुझे इतनी गुस्सा हो लगा लेकर काम कर रहा हूँ जी जी आज तो कछु बोल भी नहीं सका था हे तो जी चप्पलें यहाँ तो बड़े राज लगे दिख तो ये तैया दोरे में उतरी है मोरो बस चले ना समो एक बद्दी हो तो के ठहरे ने सुकल ठिकाने आ जाने इतनी बड़ी हो गई लेकिन अपने मन से नहीं लगा था कि हम लगा देवे झाड़ू बिल्कुल रोज मोहिया लगाऊंगी उसे सुबह से उठ के झाड़ू दिमाग ही तो खराब हो जाए मुझे खदनिया में फेंक देना तो ढूंढा फिर नए मारे मुझे इतना दिमाग खराब हो लगा कहा बताओ मैं हमारी चप्पलें कहाँ फेंक दी तुमने की चप्पलें हमने नहीं फेंकी है देखो तो मैं तो तुम्हारी चप्पल ना हाथ भी ना लगाऊ फेंक बेगी तो बात दूसरी हाथ से नहीं फेंकी तो कहा होगी तुमने बाहर से फेंकी ठीक है ना हमने नहीं फेंकी है तो होशियारी ना मारा नहीं था हाँ वो हम आज कहा उठा जो बुरा हम आते बिछो तो सो हमें सौंक नहीं है वो तो गंदो अंदो डरो तुम्हारे दूरी में से मैंने कही इतना झाड़ू लगा दो तो मैं तो इतना लाकल है नहीं है कि मैं झाड़ू लगा दे मैं हमारे दूरी में तो चाचिया सो डो तो मैं कॉले नहीं देने हाँ हाँ सही कही तुम्हारे दूरी में तो हमेशा गुगू बह जाने का डो रात में ना झाड़ो ना सोए तई सुगरी है ना कि माँ फिर है तो मैं तो इतना अकल ही नहीं है ना सबरी बात है मुहिया से गाने पड़े है ना हाँ तो तुम दूर तो झाड़ लेती लेकिन तुम्हारे भीतर तो सही सुगरी है ना फिर देखो मैं कौन तुम्हारे गटा है कि भटा के फूटा गए कि मैं फोड़ दूं दादा पटा पटा नहीं बोलेगा ठीक है ना अब तक मोए लाला तक की तो हिम्मत नहीं भाई मोए सामने बोलवे की जब कल की आई मोए सामने जमा लड़न लगी देखो तो देखो तुम बड़ी हो सो मैं तुमसे कछु ज्यादा बोल नहीं रही नहीं था अब भाई मैंने हाँ तो कहता है हाथ पाओ और रा कितनी है बोल रही जा आने तो घर वाले हमें बताओ लेकिन मैं सब तो बहस कर बोली चाहत वैसे भी कल मोर करवा चाहत है सो पास हो रहा ने आ अच्छा मैं जो कहती जी जी बैठो तो ना तुम तो ऐसी गुस्सा सी हो जाती बैठो बैठो जो कतन निहाई मुंह चले सो गुस्सा ना होनी का अब देखियो मुंह तो तुम और भी चला मुंह तो डरो लगन लगत कौन होते ना जीभ ना कटाया जाए सो बेचारे ने भाई साहब खाए जा बैठ जाए हां हमें तो जो लगत कैसे तुम्हारा हाथ ना टूट जाए दिन भर चलता ही रहते ऐसे हो ऐसे हो ऐसे चलो जी सब बात है छोड़ो मैं जो कहती करो चौथे पैसों सो का कैसे है का कैसो है का जैसे है साला उतना उनसे यारा है उनसे लुगाई सब नहीं उपासी ना रही हो का तो चली मैं उन मोह देखने के कछु और में हूँ तो है साल रा सो चली मोहन देखा तो तुमने पहली बार सो तुम छन्ना मोहन देख लाई दो अब देखियो मैं पहली बार रह रही पुआसी सो मोह पता नहीं है जब तो तुमसे पूछी नहीं था मोह या तुमसे पूछने थी कैसे चटौसी तो है सदन है नहीं आ गई दीदी तुमने जाके कछु नहीं कछु राना हो तो रह लो अब देखियो पहली बार राने पुआ से सुबह बता दो है मुंह पे वैसे भूख तो सदत नहीं है सो मैं का करूं का करूं का सुबह सुबह से उठियो एक बेला भा चाव खा लियो एक बेला भा दाल खा लियो और का वो पसीना नहीं आएगा पूरे दिन तो मैं ऐसे ही कहती का और वैसे मैंने तो सुनी थी कि मैं पानी तक नहीं पीने आऊता जब पता है सुबह बोलिया कहां रही हमालो अरे बोलिया नहीं रहा पूछा रहा है तुम तो ऐसी गुस्सा सी हो जाती तुम आवाज भी ले आए तो सब कछु कर लो दो तिया ले आवे नहीं नहीं चाहे सब कछु ना पहनने ठीक है हाँ हाँ सो हम आदमी कौन भिखारी है जो उनका चूल्हे आना पे है तुम देखियो ऐसे है तो है भिखारी का कही खाए ऐसी मिली लुगाई आफत में है जान हमारी लुगाई से पैसा न ससुराली थी कौन कर गई अरे तुम आ गए हाँ तो कहाँ होगा मैं गली में हम लेकिन तुम कर गई खड़े अरे मतलब आ गए अरे सो मजाक ना करे करे मुंह से चिल्ली याद कहे हाँ हो तो पानी ले आइए गड़ाई में अरे पानी तो बाद में पी ले जो पहले मुई बात सुन लो तुम मैं तो पी ले हूँ पहले सुना देते अपनी मैं जो कहती अच्छा, पैसो है करवा चौथ को उपास हो रहा है मुई करवा चौथ है अच्छा। जी जी कहती की नई नई साड़ी लेने बहुत कछु तो रह जे नो नो सब लेने सो तो तोड़ा नहीं है हाँ सो मैं रह ले हूँ तुम्हारे लाने बिरत सो पूजा करने हो ढंग से बोल ले अब तो बस की है नहीं है अच्छा मैं रोज तो डंडा मारा तो मैं है ना और कानी कैद तो बोल रहे इन की तो तमीज नहीं है बिल्कुल अच्छा तमीज की बात ना करो तुम्हें तो बहुत तमीज है जैसे बीए डिग्री कर लाई हो तुमने ऐसा मान लिया
अरे मैं जो गाती सब पास तो रानी है, तुम नई नई साड़ी लेके आ जाए, जो पूजा को सामान भी जाने। पूजा को सामान कैसे ले जाओ, मतलब जा में क्या के ले आए हम पूजा को सामान, जाने बता दे तनक। अब देखियो मोर पता है नहीं, मैं पहली बार रह रही पुआसी, ज्यादा कछु तो पता नहीं है, एक करवा चाने हो तो एक झाड़ू सी हो तो एक चली सी हो तो साड़ी आड़ी चाने और कछु नहीं चाने। साड़ी की पहला कह रहे, पहला कह रहे साड़ी की, तो साड़ी चाने ना है कि मैं पुरानी ही धोती कहला पे रहे जो नहीं है पता के पहली बे को सोमन मोए के से आउ। तो अब माए के मैं देखियो, अब मैं जब उनसे मंगाऊ हूं पद के तब भी देवे यहां तो मैं अपत के कौन हो कह रहे फोन लगा दे मोए तो नहीं आने को आसो ना आसो। अरे हमें तो रहने हैं लेकिन अब सामान को तो छोड़ो, तुम ले आज जो सब ले अच्छी सदो रे। हाँ देखा चुका ले अकेले में कह, मैं तो चटक हुआ बैठी कौन पतो है कभी खा ले का कौन तो ठे कौन हो रहा आ कह रहा है तू का कह रहा थी ना कछु कितने अच्छे सांस को आदा है बाप मताई ना देखो तो सही के बड़ी ये तो पास वाले के अपनी आदमी है मारो तो मैं तो जासूसी कर बैठी लाने आई घर को काम नहीं है कछु सासी तो वक्त है बिना मानने होए तभी तक पेड़ के मार दे दो इन्हों ना मार हम पति हम तो कछु भी करे मारे फूटे है वहाँ चाहे खा जाए हमसे मतलब ठीक है, और तो मैं ज्यादा है ना हम आए थे दखल अंदाजी ना करो ठीक है नाराज हो जाए तो क्या लगी कल बड़े दादा की याद तक मैंने एक यार माया था कई सब की खाना बताइए आखन में कौन है अपने आदमी खनन चैन से मान देने में चाय खा कहे तो मैं ऐसी कहती थी उनके संग मरी सी कॉफी सा पेड़ पेड़ मारती हूँ कहे कौन पापा तो चल लेना ही हाँ नहीं दिखाते क्या सब भूल ला जो नीति के कहा बड़न की यार माया था कह रहे हमने तो कहू अपने सात सौ रुपये में अपने आदमी के संग लो नहीं बैठे और देखते सी बैठी महारानी सी आज को जमाना बहुत आगे पहुँच गया माँ जी नहीं हो पुराने जमाने में आज को जमाना तो देखो संगे बैठा थे संगे खाते हमें जो करती जल्दी से ले आओ और मोर पुआस और आने हैं हो जा रहा मैं और मैं जा के बोलो बोलो मैं जा के हो के जन्नो पास ही आवे उसने मुझे अब शब्द न बोलिए कहू कह मैं आवे बोला को का कबू नहीं मुझे सी लुगाई मुझे कहां ब्याह करू तू मतलब ब्याह हमें गुस्सा ना आ जाए इसे पहले तुम पहुंच जाओ नहीं तो आओ मैं जाना तो जाओ जाने कैसे हुआ काकन ने साड़ी को बे तो रखी जन भाई गले आते जब है सो दो ही महीना तो भाई हमने एक दिन पे आई है नहीं अब सी लो ही टूटी का का ब्लाउज सिलवा ले भी वो बे पहले भी काकन ने खर्चा को घर है जो कह रहती हाँ जैसे चुड़िया उड़िया तो जई रखी सो हो जे हैं करवा चौथ जो तो तुम्हें पता ही है तो हम हर साल रात में करो इतना पैसा आपने लगा पुरानी पे के कन्ने का है जो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ हम नहीं लेने रहे तुम्हारे लेने का है तुम चिंता कर बेफालतू में हाओ सो पैसा कोई तो खा रहा कोई मिटा लो कल के दिन लाका वाली हुई है फिर उनको ब्याह करने आ ठीक है ये तो साल में एक बार खुशी आओ ठीक है पुरानी चीजें से कम लो काम चलाओ हम नहीं लेने रहे का है तुम भी फालतू में चिंता कर मान दो तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है कैसे तो जिन भाई ले आए थे जब लो आ भी आए थे हमें उसमें चुड़िया उड़िया मम्मी ने नहीं पहुंचा रही थी वधू क्या पहुंचा रही थी सो बे पहन ले अभी पुरानी बिल्कुल नहीं पहनने तो तुम्हारा भाई सोचो वो तो ना हमने कि पैसा भरो वही में टालो अब तक जब गैस थी ना जो पाती ठीक है ना अच्छा घर में पाए पाए जाएगी काम हमारा है ठीक है पंच अपनी करो काम तो भली तम करा था लेकिन पैसा बचाओ था हमें घर को खाए चमाचा सब हमें देखने आओ क्योंकि तो तेल डालने तो मसाला डाल लिया की के लाने रहा तुम्हारे लाने ले आए कि वो खुद के लाने ले आए तो हमें नई चीजें ले आऊंगे तुम्हें रोटी खाने वो तो रोटी खा लो ना तो निकलो घर से जाओ तो पहले तुम जा पाओ हमें नई चीजें जाने जब हम खाए रोटी ना तो खाने नहीं जाएंगे सुबह पहनने ठीक है अरे यार नहीं पहनने तुम का लेता आइयो एक करवा लेता आइयो एक चली लेता आइयो एक साड़ी और का कहा बे पूजा को जितो सामान पोथी आउ पोथी और एक पेज को चिपकावे को पेज सो लेता
सब ले तो हम ठीक है हाँ। साड़ी एक चुई साड़ी वाड़ी नहीं लिया हमने, तुम चले जाओ ना ठीक है ना, फिर लड़ाई लड़ाई हो जाए, चले जाओ और लेता ही सब तो सामान लेता ठीक है हाँ ठीक है और खास क्या जाइयो कैसे तुम्हारी बबू रानी तो ऐसे मूड होगा नहीं थी बैठी रात पसली हुई है दौरे में कैसे को अड़माया दाता वो तो हुआ आउत नहीं है ऐसे खास मास क्या जाइयो ये हम दे रहता कोई दिन मो बजाओ का नहीं लोग आए थे पैसा मैं तो जो था साड़ी तो बता दो एक ढंकी सी तुम्हारी तो बहू है जल बास और पास ही है खाओ दिखा दिखा दो दिखा दो महंगाई है ना तो महंगाई पै गई बस कम बड़े कर लेते कछु आओ आओ बस बस जो हम चाउ कर ले कहे कम मन नहीं रही है पैसा कितने कैसे हो गए 8-3 750 रुपए लगने 750 लगने ही है 700 निकाल लेते हमारे साथ से 750 आ जाना भैया मीनू की दुकान सामने है यार बंद है हमें लगा लो काट लो जितने जैसे हो गए चुईया लेने कछु मिल जाएगा आओ 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 सही है हेलो तो खास होगा तो उसे तुम तो समझ में नहीं आती यही लुगाई को जो जाने वो जाने ऐसा वैसा मैं बस क्या कर रहा हूँ कौन गई कौन कड़क इतने आप आए हो आना पाओ हो का है जा है अज चुईया है एक ही लेके आए कौन 50 चने हो एक चने हो पूजा हो का जेब में छेद होगा तो जन पैसा गिर गए हां तो है बहुत छेद मेद नहीं होगा तो मतलब कि खाचा हो
तो कम से कम दो चार साड़ी तो लिया लेती ना, मैं आज पहनो, मैं कल पहनो, फिर करवा चौथ के देना पहनो। कहते करवा चौथ के एक बात पहने, फेहू के बाद पहने, फेहू के बाद पहने। चलो ठीक, बाप ने तो दे दिया पैसा। बाप लाना जा नहीं थे मैंने, हाँ उल्टो लटका लटका के खोपड़ी फोड़ डाली। हाँ हाँ जाके के बाप को तो पैसा अपने। हाँ, खर्च लेकिन बाप लोना जाएगा। हाँ, हाँ, कभू नहीं अब नहीं गया। सुई ने तो किस्मत खो दी मुझे। कहो बड़ी नोनी बिटिया है तुम्हारे पापा जी कहते। हाँ वो तो हम है, हम जोगे रहते इतनी सी चुनिया मिली हो वो भी एक डिब्बा। अरे वो ससुर दुकानदार कट्टू के एक ही डब्बा चाने हो। अच्छा हाँ। वहाँ ज्यादा पता है। हाँ कि घर भाई उपास ही रहेगा उतना दस आने वाई का भूभी। और कछु नहीं ले आया तुम? वह कच्चा ले तो बहुत सी ले आया तुम तो। मतलब हमारे केबे को मतलब जो है तो के चाने का है तो वे सब कछु तो चाने और क्रीम पाउडर जाने का दुनिया भाई को सामान। अच्छा, तुम तो साड़ी ले आयो चुनिया ले आयो मैं होत का है। होत तो कछु नहीं है। हाँ, खुद ऐसी फटी जैसे बनी फिर अतरा तो मुँह ऐसी बना फिर अतरा। अरे वो देखो ऐसा है पैसा ससुर सबसे बड़ा होत है। ठीक है तो फिर मुकाई हाँ। को पासी। ठीक है, पूजा को सामान तो तुम ले आई नहीं है करवा रहा। पूजा को सामान कहाँ से ले आऊँ ते पकुन दे सकती। कहाँ गई? ना कछु ना कछु। तो मैं पूजा कैसे करूँ? पूजा हमारी हो तो हमारी अगरबत्ती लगाओ सब कछु। पूजा को सामान लेके आओ नहीं तो तुम्हारे बारन में हमने लुआ छुपा दाओ फिर अच्छे से हो जाए पूजा उजा। बड़ी नोनी लगाई मिली जब भगवत कहे थे तुम जब हम हो गया। कहा कह रहे? हाँ मतलब भगवान से जो तो कहा कि तुम्हें लुगाई में लगाई नहीं तो तुम जैसा ना तो कौन लंगड़ी लूली कानी बेरी जाने कैसी कैसी लुगाई मिलने थी बड़े यार। ऐसी चाहने थी कम से कम बोलती तो कहा कह रहे तुम ना कछु। तू लेके आओ ना मैं करवा जाने एक झाड़ू सी जाने और चल्ली भी जाने। चल्ली आओ। कौन हो? लो पकड़ो एक जो हम बहुत दे आवे सो ओई काय देने जो भी तो दे सका। तो अब देखियो सही है अब कोनू ले लो चाहे तुम ले लो चाहे उन्हें दे दे रहे तू मतलब कोनो जो अच्छा है। अरे सब रो भी पैसा के आए बोला आते ही बोला उनकी तनिया प्रिया बेटा। हाँ भाई साहब। लो पकड़ो। हाँ अच्छा चटम सी तो है का पता सदा थी मक्कल अपनी बोने पागल सदा थी सदा सच्चे सब सच्चे। जीजी का जीजी चिल्लाता जब देखो मुझे लगो कहूं चली तो नहीं गई ऊपर। वो पाए के लाने हम पहले तमन्ना ले देवी कह देवी हम ऊपर ठीक है ना। अरे तुम तो ऐसा बुरा मान जाती है ते तो आओ था ना जो काटती सब लो सामान आ गा तुम आओ। हाँ तुम आओ आगा। हम आओ आगा आधो अधूरो आओ। सही है आधे अधूरे से कर लो तुम ठीक है। देखो तो जब चली पुरानी ले आएगा भी बड़े भज्जा। अब जैसे हमारी अब चल्ली धली हती तो जरूरी तो कि नई चल्ली से मुँह देखे पुरानी चल्ली में कर मुँह नहीं देखने तो ही तो देखने सुचा जो सी चल्ली से भी देख लू। तो हम आओ कहाँ देख रही मुँह हम जो देख रहा की कैसी छचुंदा सी शकल है तुम्हारी। तो तुम कौन सा जी यहाँ के क्या भूर की परी यहाँ भूतनी डायन जाने कंजड़िया। अरे अरे जी जी तुम तो जाने ऐसी है भगवान सी लगती तो जो गाती हमारी जी तो लेके नहीं आया सामान। हाँ हमारी रखती गाँव में मतलब ऐसे ही अब तो मतलब काम का पे आई हो गई। अच्छा तो हम बताए तो मैं ना हो सो फिर देखो एक और उपाय है कि दुकान तुम्हारे जैसे तुम्हारे तुम्हारा मतलब हमारे लाल आए हैं तो वो तो मारे। हाँ हाँ है अगर उन्हें सीधा बनाऊंगे तुम्हें तो तुम टार से मुँह देखी उनको। सही में सुबह सीधे हो जाए। हाँ तो सही में जिज्जी मुँह ऐसे ही करने आए हैं। हाँ हाँ तो ठीक है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बिल्कुल। अब तो मैं जब पता तुम्हारा दादा कितने सीधी है। हाँ हाँ है ऐसा ही बोले बिल्कुल गऊ की तरह। अच्छा तो ठीक है। हाँ ठीक है तो सब आया देख लो ध्यान से। हाँ हाँ पूजा को सामान लगा लेते हम बैठ के पूजा पहले। हाँ काका लगाऊ नहीं जो बता के जाओ टाइ को बच्चा। हाँ ठीक है एक टाठी में कावा धर लो। अब तक जा तो हो ही गई तुम। हाँ सो ठीक है तो तुम ऐसा कहा चलो जो बनाऊंगी खाना माना सो बना लो। हाँ कैसे के अपना चांदनी करी आज शाम के। हाँ जब देखने आओ तो अपने याद मन को मुआ वे आज क्या बस देखने का। हाँ ठीक है यही से तो मैंने तुमसे पूछिया है। हाँ बस तुझे अच्छी लगा ही कूल है तो बेजे ही अलग के आए थे। हाँ जब तुम कह रहे थे कंजूसी कहाँ कह दे
कहा कछु नहीं, मतलब बहुत अच्छी लगी। ठीक है तो जल्दी हो जा, बोला अभी तमें। हाँ ठीक है। अच्छा जो आदमी ते पड़वान घाई धरो हुआ है जब से, यहाँ अपने मन से कछु नहीं लगा था देखो तो, और इनके आदमी तो इतने समझदार है। अपने लोग आई इनके लाने सब सामान ले आओ बिना कहे, और इतना अच्छा अच्छा सही में कहे तुम तो मरे भी लायक हो हैं। मरे भी लायक नहीं मैं तुम्हें धरे या हो 12 बजे रो पड़वान भाई, तुम्हें अपने मन से अकल नाम की चीज नहीं है। कहा करने तो अच्छा नहा धो लो, हम तुम्हारे लाने पोसे हैं, हमने अन्न को एक दाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, तुम्हें आराम फरमा रहे। अच्छा अच्छा मैंने खुद अन्न को दाना नहीं खाओ न पानी नहीं पियो पूरी रात। हाओ हरे हाओ बढ़िया। अच्छा कहो तो चाट की थी आलो चाट पेड़ रात में खा दे तो चाट मार को मैं बता रही हूँ, तुम ऐसे ना मानो। चुपचाप जल्दी से जाके नहा धो लो और तुम भी पुआ से रज्जो आर। हमें नहीं रहने चाहते बिल्कुल न रहा। अब मुँह तो रहने यानी तो तुम मैं देखो अरे बुकाए मैं जो सोचा कि मैं चुपचाप कैसे नहा लियो कहा के टॉवेल तो मंगा नहीं गया नहावे के बाद। सो खुद उठा के ले ले जो नहा ले जो, तुम्हें अपने मन से अकल नाम की चीज है, अपने मन से तो कोनो काम कर नहीं सकता। काम के लाने लोग यहाँ परेशान कर लो भाई को मार सके हो आते हो पास ये मुँह बिल्कुल ढाल सो को चाय लगी। देखो तो मैं आज पुआसी हूँ और फिर भी तुम नहीं मानता है, आज के दिन अभी तुम मुँह से कुटवा रहे हो खुद। हाँ तुम जो तो सोचो तुम गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें ठोक रही मुंह में ठोक बे की हिम्मत भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें सुधार बे की लाने ठोक रही हूँ। अबे अबे कितने को बजे अबे भुंसा तो भाई दिखे। चलो तो तुम चिल्लाओ ना नहीं तो चिल्ला बो तो मुँह भी आओ चुपचाप से नहा लो, मुँह पूरे दिन पास हो रहा है, चिल्लो आज ना मुँह से ठीक है। तू कब जा रहा है अगले दिन मैं जाऊं नहावे। हां जे जे गायो जे अब पे कि मुझे लेख उठाने पड़े। हां आज के दिन मैं की तो पाऊं तो जल्दी जाओ। कैसी लुगाई मिली डॉन जाओ पास गया पास हो रहा के पुण्य कमाई के मामा के पाप में जाई। कैसी डॉन लुगाई मिली इसी अच्छी तो मुई भाई थी पूजा। बेलो नहीं आया कत तेगे जल्दी आ जाए भी। अरे जिजी तो मैं तो ही मिल गई तुमने अच्छो करो, मैं तुम्हारी लो आउती मैं जो कहा तू कब लो आने कब लो जो तोड़ने पर रात मुँह तो भूख लगी आई और प्यास भी लगी आई। हाओ रात के 11-12 बजे 11-12 हाओ मुँह मत आई तो मुँह मखाने थे कि जाने मुँह आया थी पे चिता जल ले। हमने कही थी ऐसे कदा जाना कैसे कि तुम तो हो ही जब तुम्हारे मुंह में दो तीन कुरकुरे दो तीन नमकीन जब खाना ले जब तुम्हारी चटक जीभ है ना ऐसे ऐसी होता ही रहे। अब देखियो अब वहाँ कौन काट के मैं फेंक दूँ, अब जैसी भी है जीभ मैं जो काटती सुखा नहीं सकत कछु। खा लो रोटी खा लो वो आसना टूट जाए है पता कौन कुआ बताऊ नहीं यहाँ। अरे हाउ जो भी है लेकिन आहा ना खान दो कहूं जी हम आए माए गए तो बस फिर आफत हो जाए फिर दूसरा ब्याह। हां जी माए वैसे अच्छा तो माई जावे सोई सा जाओ कैसे तुम तो सब संजीन नहीं देते और ठीक है हम जो आए मैं काम है कैसे का तुम तो अपने आदमी खा ही ले। कैसी है जा जी जे के मोई मो में बड़बड़ात रहा जीव लो नहीं कतरा था मैं तो कद भगवान एक आध दिन कतह जाए जीव और लंगड़ी भी हो जाए एक आंख से कानी। मत आई कवे ने करने जो दिन और कवे चांद ने करने कवे में पूजा करो मो तो अब ही से चक्कर आऊं लगी पेट में तो बिल्कुल चूहा दौड़न लगी। क्या करूं सही में अगर चांद के अलावा सूरज ही करने होती ना पूजा तो अब लो कितना अच्छा रहने तू लेकिन कछु दिक्कत नहीं है जल्दी ले कर यार फिर पूजा करो और फिर बढ़िया पनीर की सब्जी खाऊं मैं तो। अब तो बहुत ही टाइम होगा वो तो चेक कराऊं लगी तो कहां हम तुम्हारे
कहता होते दुनिया में इतने अच्छे। चांद निकालो। कौन है चांद? अरे निकलो वक्त। तुमने हमसे झूठ बोली। अरे तुमने आग छुपा दो तो एक साथ पड़ जावे बिना हाथ के। वो जो बता रहे दुनिया में इतने अच्छे अच्छे आदमी है लोगों ने खिलाने का काटा करा तो तुम एक लौटे ऐसे आदमी हो। आदमन के नाम पे धब्बा हो है। आदमन को नाम तो बह रहे हो। इतने अच्छे अच्छे आदमी है लेकिन तुमने आज तक हमारे नाले का करो बस झूठ बोल रहे हो। अच्छा तुम्हें हम मरा ना थे वही किला ने तो हम पास ही है। किला नहीं है पासी के मूल रोई से तो धनक में लगी कहू। तुम फिर उठ गए परे रहो चुपचाप जब तक मैं ना कहूँ उठेगी चुपचाप दीवार में धसे रहो नहीं तो मैंने वो मारो हाथ सीधी दीवार फट जाए। तुम्हें तो पानी मिलेगा पानी मैंने कछु नहीं पियो मैंने तुम्हारे नाले पुआसे है तुम्हारी लंबी उम्र के नाले पुआसे ले रहे भूखे प्यासे ले रहे तो मैं तक पानी घोटा तुम्हें की सोच रहा है तुम्हें शर्म ना आई नहीं पीने उतर जाओ पड़ोसन लो देखिया उगो आदमी खुद पुआसो है उन लोग आई किला जाने का ले आ देखो तो आज के दिन अभी हमें तुम्हें ठोकने पड़ रहा हो तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि हम तनक आज के दिन तो सुधाया जावे वो तो चक कर से आऊ लगी सही में तो मैं ठोका ठोका हिम्मत भी नहीं है फिर भी हम तुम्हें सुधार भी खिलाने ठोक रहे अब मैं भीतर जा रही हिली होना है तेरे से नहीं था अबे तो पता नहीं अब कहाँ चले गए वो चांद गया है बहुत टेम्पो ज्यादा लेट तो नहीं हो गए लेट नहीं हो गया कौन नंता चांद पता है एक घंटा पहले को ने गाया बच्चा तो बोले टाइम क्या उनकी होगी पूजा उनकी एक घंटा तो बारे में पूजा हो रही अब भले उनकी भीता हन हो रही हो वे कर रही हूँ वे का कहा बारे में बारे में कौन सी पूजा हो रही वो एक उनके पंडित ने लिखो तो अच्छा आप सिमेट है पूजा नहीं करने का जीजी तुमने कर ली क्या पूजा चांद ने कहा वो मत आई हम आदमी तो ऐसा फोन दुआ सो रहता दीवार से बैठो यहाँ तो जोलो नहीं लगा था कि लोग आई है बता आ गए चांद ने करे आओ कछु काम से नहीं है तुम कहा जन्म लो तुमने धरती पे घोर बन जाती सुको वहाँ का फेर तो तुम्हें ना के मान होगा पूजा हाँ कर लो चलो कर लो चांद अब उठ जाओ कि मैं गोदी में उठा के ले जाने पड़े जीजी शादी तुम तो भोंदुगा हो तुम्हें तो टक लगा अब हम क्या हो पाए तुम्हारे चक्कर में अरे आराम से जीजी अब ना कावा धर लो ही पे हाँ हाँ तो चल ली कहाँ गई हमने कही थी चक्का में हाँ सही चलो उठो आप है पकड़ो ऊंचा कहाँ कहाँ है तो चलो हमारा चलो जल्दी आप कहा बता दिए सही में जाना किस आदमी है चांद कहाँ है मैं जो ऊपर हूँ गलत बता रहे हमें ऊपर कहाँ है होते इतना ही है कोदाई देखो तो तरह सोन निकलो है वो मत आई ये आटा की चली मैं तो तुम्हारा थोपड़ा भैंसन जैसा दिखा रहा हूँ अब क्या करें तुमसे कैसी चली ले आई उसको बाद ही नहीं ले आने यहाँ अब क्या करें हम ओ उठा ना देख ले अरे हाँ हाँ जिज्जी ने भी वही बताओ तो खड़े रहिए उदाई कहा बताओ सही में दांत का है फाल है दांत नहीं देखने तो माँ थोपड़ा देखने सीधे खड़े हो जाओ कहा तुम उसे ककरी गाई को ले आ गए कहा बता जी सही मोहिया ठिकाने आए सब कुछ मोहिया ठिकाने आए कहा करो मैं तुम तो मैं तो कौन उस पागल खाले में छोड़े आने चाहिए सीधे खड़े हो ऐसे अरे थोड़ी ऐसे खड़े हो ऐसे तनक बैठी हो तनक बैठो 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 और बैठो सीधो खड़ो हो बे बोली हम कहा करे तुम सही में कैसे आदमी है आज हमें हिम्मत भी नहीं है फिर भी हम तुम्हें सुधार भी गिराने ठोक रहे
जनक काशी को है सूदो खड़ो तक नहीं हो वो आऊ तक खड़ी हो जाओ आप थोड़ी बस बस अरे ज्यादा खड़ो थोड़ी और खड़े हो हाँ थोड़ी और खड़े हो बस ऐसे ही खड़े रहा अब हम क्या करें मैं नरवान जैसी तो तुम्हारी शकल है अब भगवान ने जैसो आदमी दे दो सो हम तो झेल आ रहे हैं शकल नहीं दिखा रही साहब तुम्हारी तना खड़ी हुई हूँ और थोड़ी और तना जी हाथ पाओ तो फैलाओ हाँ ठीक है अब देखो चेंज तो होगा तुम तना भी कह दो आओ चलियो तना अब तुम खड़े हो गए पानी तक खानी पूछी मैं से भूखी प्यासी ते मरी जा रही हूँ और तुमने हमें पानी तक की नहीं पूछिया होते होते तो ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कैमरामैन फोटो खिंचा रहा हो सब तीन तेड़ के जाना कैसे कैसे हो रहा है खड़े तना कहते तो तुम्हारे बहुत दांत निकलने लगे हमें पूरे दांत झड़े गए ने मैं बताऊ तुम्हें राम भैया और कैसी लगी वीडियो करवा चौथ तो भैया ये वीडियो में ज्यादा मेहनत लगी बनाए में तो भैया वीडियो में तो हर में लगा मेहनत तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो को करो शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और भैया अपने दिनेश भैया को चैनल है तो भैया चैनल पे जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए और भैया चैनल का नाम है दिनेश यादव बुंदेली बिल्कुल ऊपर भी देवेंद्र भैया के साथ वीडियो आउट है मतलब रेगुलर कायदे बिल्कुल भैया रेगुलर वीडियो आ रहा है मतलब जो कहानो मतलब के भैया प्रेम दो दो ही चैनल बराबर देखो भैया वीडियो लंबी है अच्छे से देखो बढ़िया देवेंद्र समय निकाल के धन्यवाद।